तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से, मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया, मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा बाहुपल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि वो डीजे सब लोग पहुंच गए। और पांचवी दफा जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए, मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता, उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलत फहमी में न रहना। निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ, वहां बस से उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहने टूरिस्ट, उस पर उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। फिर मैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया MiG-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। यहाँ हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे, तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से, मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया, मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात है। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए, हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए, सिविलियन कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए, हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा। ये उन कश्मीरी मेरे भाई पंडितों के नाम जिनके जो घर से बेघर हो गए, उन कश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे हुए हैं और जो वहां से बिछड़ गए, उनके लिए शेर अर्ज करता हूं, गुजर गया। और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई, इसके लिए भी कह सकता हूं
गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे चमन था आशियाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे चमन थे था आशियाना था, न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता। घोंसला उजड़ गया, न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, न पूछ थे चार तिनके मगर नाम आशियाना तो था।